Hello students, in this class we will discuss about the first chapter of class 9th, the evolution and classification of computer. Our first topic is evolution of computer. Computing started thousands of years ago and has a long history. यहाँ computing का means है calculation करना, यानी गणना करना. हम काफ़ी लंबे समय से कैलकुलेशंस कर रहे हैं और इसकी एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री है. द पीपल स्टार्टेड कंप्यूटिंग यूजिंग द फिंगर्स. पहले लोग अपनी फिंगर्स पे काउंटिंग करते थे, कैलकुलेशन करते थे. दे डिस्कवर्ड डिवाइसेस फॉर कंप्यूटिंग. उसके बाद कुछ डिवाइसेस डिस्कवर हुई किसके लिए, कंप्यूटिंग के लिए, यानी कैलकुलेशंस के लिए. फर्स्ट यहाँ हमारी डिवाइस है अबेकस. ये आपको फिगर में शो हो रही होगी, ये हमारी अबेकस है. द अबेकस वॉज इन्वेंटेड इन चाइना. अबेकस चाइना में इन्वेंट हुआ था इसका अराउंड 1300 BC, 1300 ईसा पूर्व में. द अबेकस आल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम. अबेकस को हम काउंटिंग फ्रेम नाम से भी जानते हैं. इज अ कैलकुलेटिंग टूल. यह कैलकुलेटिंग टूल है. एंड अबेकस इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज टू असिस्ट अ पर्सन इन परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसे एक पर्सन मैथ्स की कैलकुलेशन और काउंटिंग कर सकता है. नेक्स्ट है हमारा नेपियर्स बोन. नेपियर्स बोन इज अ मैनुअल ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस क्रिएटेड बाय जॉन नेपियर. नेपियर बोन एक मैनुअल ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो कि नेपियर बोन द्वारा क्रिएट की गई थी. जॉन नेपियर रियलाइज्ड डेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स कुड बी परफॉर्म बाय एडिशन एंड सबट्रैक्शन. जॉन नेपियर ने महसूस किया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म हो सकता है एडिशन और सबट्रैक्शन से बाय स्पेशल इंग्रेडिएंट कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ दीज नंबर्स. लेकिन किसके द्वारा, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट था जिसे हम कहते थे लॉगरिथम. इन नंबर्स का लॉगरिथम से हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर्स का हम निकाल सकते थे. ये आपको फिगर में शो हो रहा होगा. ये है हमारा नेपियर्स बोन. नेक्स्ट है स्लाइड रूल. इन द मिड 1600 द लीनियर स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय रेवर्ड विलियम. लीनियर स्लाइड रूल इन्वेंट हुआ था 1600 में, जो कि रेवर्ड विलियम एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था. एंड द इनर स्लाइड रूल वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट विस्कर्स. और जो इनर स्लाइड रूल था हमारा, वो इन्वेंट हुआ था रॉबर्ट विस्कस द्वारा. अ स्लाइड रूल आल्सो नोन एज स्लाइड रूलर एंड स्लिप स्टिक. स्लाइड रूल को हम किस और नाम से जानते हैं, स्लाइड रूलर और स्लिप स्टिक. इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स रूलर दैट फंक्शंस एज एन एनालॉग कंप्यूटर. और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूलर है और ये फंक्शन ऐसे करता है जैसे कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर फंक्शन करता है. ये आपको फिगर में शो हो रहा होगा, ये हमारा स्लाइड रूल. उसके बाद है थॉमस अर्थमोमीटर. ये फिगर शो हो रहा है, ये है थॉमस अर्थमोमीटर. द फर्स्ट सक्सेसफुल मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स जेवियर थॉमस अराउंड 1820. पहला सक्सेसफुल मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा अराउंड लगभग 1820 में. इट वाज कॉल्ड थॉमस अर्थमोमीटर एंड कुड ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. और ये सारे काम कर सकता था, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट, डिवाइड, एडिशन. नेक्स्ट हमारा डिफरेंस इंजन. अराउंड 1822 चार्ल्स बैबेज अर्थमैटमिशियन डेवलप अ कंप्यूटिंग मशीन कॉल्ड द डिफरेंस इंजन. लगभग 1822 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे चार्ल्स बैबेज, उन्होंने एक मशीन डेवलप की
जिसको हम किस नाम से जानते थे, डिफरेंस इंजन नाम से। ये भी हमारे किसके लिए यूज़ हुई थी, कंप्यूटिंग के लिए यानी कैलकुलेशन के लिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कंप्यूटिंग का मतलब होता है गणना करना यानी कैलकुलेशन करना। ये डिफरेंस इंजन है, इस तरीके से कुछ डिफरेंस इंजन होता था। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। इट इज आल्सो डेवलप्ड बाई चार्ल्स बेबेज इन 1832। ये भी किसने, चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था 1832 में। इट वॉज अ डिवाइस एज लार्ज एज हाउस अप्रोक्स। ये लगभग इतना बड़ा था जितना कि एक घर होता है। 30 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, लगभग 30 मीटर बड़ा, लंबाई में लगभग 30 मीटर और इसकी विड्थ थी 10 मीटर। इट वॉज पावर्ड बाई 6 स्टीम इंजन और इसमें 6 स्टीम इंजन लगे हुए थे। वॉज मोर जनरल पर्पज इन नेचर बिकॉज इट कुड बी प्रोग्रामेबल। जनरल पर्पज इसलिए था क्योंकि इसको हम प्रोग्रामेबल था, इसे हम प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। ये आपका एनालिटिकल इंजन है, इस तरीके से दिखता था। नेक्स्ट है पंचिंग कार्ड। इन 1890 द सेंसस फॉर टेकिंग द पॉपुलेशन काउंट टुक प्लेस इन यूएसए। लगभग 1890 में पॉपुलेशन काउंट करने के लिए यूएसए में क्या यूज़ हुआ था, पंचिंग कार्ड। हार्मन हॉलिडे थे डिजाइंड पंचिंग कार्ड एंड स्पेशल मशीन्स फॉर स्टोरिंग एंड टेबलेटिंग द मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। एक साइंटिस्ट थे हार्मन हॉलिडे, इन्होंने पंचिंग कार्ड डिजाइन किया था एंड स्पेशल मशीन्स फॉर स्टोरिंग एंड टेबलेटिंग द मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा। और डाटा स्टोर और टेबलेट करने के लिए, क्योंकि जो हम पॉपुलेशन काउंट कर रहे थे तो डाटा बहुत ही मैसिव था, यानी लार्ज उसकी स्ट्रेंथ थी, काफ़ी बड़ा था, तो इसके लिए इन्होंने पंचिंग कार्ड का यूज़ किया था। ही यूज़ द जैकर्ड पंच कार्ड टेक्नोलॉजी। एक साइंटिस्ट थे जैकर्ड्स लूम, तो उन्होंने जो पंचिंग कार्ड में जो टेक्नोलॉजी थी वो जैकर्ड पंच कार्ड वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। आगे आपकी जनरेशंस हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम 1946 ऑनवर्ड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन बेस्ड ऑन स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज्ड। जो कंप्यूटर का डेवलपमेंट है 1946 से अभी तक 5 जनरेशन में, यानी 5 जनरेशन में डिवाइड हुआ है, बेस्ड ऑन स्टोरेज स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज। और किसके आधार पे 5 जनरेशन में डिवाइड हुआ, स्टोरेज के और टेक्नोलॉजी जो जो यूज़ हुई है हर जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन इसका टाइम पीरियड था 1946 टू 1958। लेकिन मैं स्टूडेंट आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जनरेशन का एक कोई, आप कभी अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो हर वेबसाइट पे अलग अलग जनरेशन का अलग अलग ड्यूरेशंस दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जो आपकी बुक में है 1946 से 1958 फर्स्ट जनरेशन का, मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही आपको जनरेशन बता रहा हूँ। द फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी एंड देयर साइज अप टू एंटायर रूम। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, सर्किट्स के लिए वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ हुआ था मेमोरी के लिए। जैसे अभी हम मेमोरी के लिए रैम यूज़ करते हैं, तो पहले मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन में। एंड देयर साइज अप टू एंटायर रूम, और इसका साइज़ लगभग एक कमरे के बराबर होता था जो फर्स्ट जनरेशन वाले हमारे कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट, द कंप्यूटर इन दिस जनरेशन वा मेनली। इस जनरेशन के कुछ मेन कंप्यूटर हैं, उनके बारे में बताया गया है, उनके नाम बताए गए हैं। फर्स्ट है इनायक, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो ये इसके फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को नोट डाउन जरूर करनी है। और ये इन्वेंट हुआ था बाय डॉक्टर जॉन मैक्यूली एंड जे प्रेस्पर इकर्ड, ये इसके इन्वेंटर हैं। सेकेंड है एडी सेक, इलेक्ट्रॉन डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर बाय प्रोफेसर एम विलिक्स। तो थर्ड है ईडी वैक, फोर्थ है यूनी वैक। ये फुल फॉर्म्स आपको नोट डाउन करनी है और इनके इन्वेंटर्स भी।
नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट जनरेशंस। करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी थी फर्स्ट जनरेशन में? फर्स्ट है यूज वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे। ईच टास्क हैड स्पेसिफिक ऑपरेटिंग फंक्शन कॉल्ड अ प्रोग्राम, और हर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो ईच टास्क हैड स्पेसिफिक ऑपरेटिंग फंक्शन, हर टास्क के लिए ऑपरेटिंग फंक्शन था जिसको हम क्या किस नाम से जानते थे? प्रोग्राम के नाम से। नेक्स्ट है ईच कंप्यूटर हैड अ स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। हर कंप्यूटर का एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज था जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बाइनरी कोड। किसके लिए यूज होता था? वो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। सेकेंड जनरेशन 1959 से 1963 तक। अ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर ना ऑफन कॉल्ड अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे और इसको हम सेकेंड जनरेशन नाम जानते हैं। इस अ कंप्यूटर विच यूज डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के स्थान पे यहाँ पे क्या ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स विच जनरेटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड वल्की आल्सो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे वो क्या लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कराते थे। मतलब जब वो कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो बहुत हीट देता था, तो हीट की वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर यूज होने की वजह से जो हीट थी वो थोड़ा कम हो गई, और वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से वो बल्की भी था यानी भारी भी था, लेकिन ट्रांजिस्टर यूज हुए तो उसका वेट भी थोड़ा कम हुआ। इसके करेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मच स्मॉलर इन साइज देन वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज हुए थे जो कि काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स साइज में। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टन एंड कोबल केम इन टू यूज। हाई लेवल लैंग्वेज यूज थी फोर्टन और कोबल, ये दो लैंग्वेज के आपको एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। बेसिक स्टोरेज मैकेनिज्म लाइक डिस्क स्टोरेज एंड पेपर स्टोरेज केम इन टू यूज। और जो इसमें मैकेनिज्म यूज हुआ था स्टोरेज के लिए कौन सा यूज था? डिस्क स्टोरेज एंड पेपर टेप्स। डिस्क में हम कोई डाटा स्टोर कर सकते थे या पेपर टेप्स आती थी उसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते थे। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन हमारी 1964 से 1971 तक रही थी। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज इंटीग्रेटेड सर्किट। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs यूज हुई थी इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के स्थान पे। अ सिंगल IC हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर रजिस्टर एंड कैपेसिटर। एक सिंगल IC में काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। अलॉन्ग विद द एसोसिएट सर्किटरी द डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज रिलायबल एंड एफिशिएंट। इससे क्या हुआ कि जो हमारा साइज था वो और ज़्यादा स्मॉलर हो गया, रिलायबल हो गया और एफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड चिप्स रिड्यूस साइज रिमार्कबली। इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ तो हमारा जो साइज था वो और कम छोटा हो गया कंप्यूटर्स का। यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट द सिस्टम ऑपरेशंस। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ जो कि कोऑर्डिनेट्स करता था सिस्टम ऑपरेशंस के साथ, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते थे उसके साथ। इम्प्रूव्ड स्टोरेज मैकेनिज्म, और जो हमारा स्टोरेज मैकेनिज्म था वो भी इम्प्रूव हो गया। मैग्नेटिक डिस्क आ गई, मैन मेमोरी आ गई, ठीक है। न्यू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक MICR प्लॉटर्स स्कैनर इन यूज। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कुछ यूज़ हुई MICR जो इससे पहले किसी भी जनरेशन में यूज़ नहीं हुई थी।
MICR है, प्लॉटर है, स्कैनर है, ये सारे भी इस जनरेशन में यूज हो गए। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन 1972 से लेके 1984 तक की जनरेशन थे। कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो फोर्थ जनरेशन था वो VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे चलता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड एफोर्डेबल। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे मोर पावरफुल थे कंपेयर टू थर्ड जनरेशन, कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे और अफोर्डेबल थे, यानी हम अफोर्ड कर सकते थे कंप्यूटर्स को लेना। एज अ रिजल्ट इट गिव्स राइज टू पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। और इससे क्या हुआ, जो एक रिवॉल्यूशन हुआ पीसीज में, पर्सनल कंप्यूटर में। उससे पहले क्या था कि कोई भी कंप्यूटर हम पर्सनली यूज़ में नहीं लेते थे, जितने भी कंप्यूटर्स थे वो ज़्यादातर गवर्नमेंट द्वारा ही चलाए जाते थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन थोड़ा रिलायबल था, अफोर्डेबल था कि हम उसे अफोर्ड कर सकते थे उसे परचेज करने के लिए मार्केट से। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन चिप्स यूज्ड VLSI एंड USI टेक्नोलॉजी। जो हमारी चिप्स यूज हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज हुई थी, वो VLSI और USI टेक्नोलॉजी वाली यूज हुई थी। ग्रेटली रिड्यूस्ड साइज एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, और उसका साइज भी बहुत छोटा था लास्ट जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन के कंपेयर में। रिड्यूस्ड कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हुई थी। इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस एंड स्पीड, इसके परफॉर्मेंस भी और स्पीड दोनों ही चीज़ें कंपेयर टू थर्ड जनरेशन काफ़ी अच्छी थी। सपोर्ट एंड कंपेटिबिलिटी विद अ वैरायटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और सपोर्ट करता था और कंपेटिबिलिटी थी बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में। उसमें क्या था, उसमें कुछ ही इनपुट और आउटपुट डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते थे थर्ड जनरेशन में, MICR, प्लॉटर एंड स्कैनर। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करने के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन 1985 से प्रेजेंट टाइम तक, अभी यही जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। इन द फिफ्थ जनरेशन VLSI टेक्नोलॉजी बिकम USI टेक्नोलॉजी, रिजल्टिंग इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। फिफ्थ जनरेशन में VLSI टेक्नोलॉजी बिकम USI, जो VLSI टेक्नोलॉजी थी वो USI में चेंज हो गई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप। और इसमें क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे, जिस माइक्रो प्रोसेसर की चिप्स में लगभग 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते थे। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI सॉफ्टवेयर। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर सपोर्ट होता था इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सॉफ्टवेयर। जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है फिफ्थ जनरेशन की, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सपोर्ट करती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सपर्ट सिस्टम, वॉइस रिकॉग्नाइज, बायोमेट्रिक एट्सेट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है, एक्सपर्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन को सपोर्ट करता है और बायोमेट्रिक, इन सभी को सपोर्ट करता है। एक्स्ट्रॉडनरी परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पीड ऑपरेशंस, और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहा स्पीड में कंपेयर टू फोर्थ जनरेशन। ग्रेट स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी कंपेयर टू ऑल द जनरेशंस। सपोर्ट फॉर नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी एंड पोर्टेबल कंप्यूटिंग, और ये सपोर्ट करता था नेटवर्किंग को। जैसे हम अभी नेट यूज़ करते हैं या नेटवर्किंग करते हैं, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना, इस कॉल्ड नेटवर्किंग। तो ये सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर ही सपोर्ट करते थे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डाटा,
अब यहाँ क्लासिफिकेशन डाटा टाइप के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की दी गई है। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ डाटा दे ऑपरेशन। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल, थर्ड हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये तीन प्रकार के कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये बेस्ड किस पे है? डेटा के टाइप पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। इसमें जो क्लासिफिकेशन दी गई है कंप्यूटर की, वो किस पे बेस्ड है? साइज के ऊपर बेस्ड है। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप बेस्ड ऑन देयर साइज। कंप्यूटर साइज में फोर टाइप उसके दिए हुए हैं। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम, थर्ड मिनी एंड फोर्थ माइक्रो। तो फर्स्ट कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। द सुपर कंप्यूटर इज़ अ लार्जर मैसिव कंप्यूटर दैट इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर काफ़ी बड़ा कंप्यूटर है, मैसिव है और एक्सपेंसिव भी है, यानी महंगा बहुत है। इट प्रोसेसिंग कैपेसिटी आर द बेस्ट विद द एबिलिटी टू कैलकुलेट एंड एग्जीक्यूट ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेकेंड। और जो इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी और कैलकुलेटिंग की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जो ये इंस्ट्रक्शन विद इन अ सेकेंड में लगभग कई मिलियंस या ट्रिलियंस यानी कई करोड़ या अरब इंस्ट्रक्शन हम इसे दे सकते हैं। ड्यू टू हाई कॉस्ट सुपर कंप्यूटर आर बोथ एंड यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड लार्ज इंस्ट्रक्शन कंपनी। क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई है तो सुपर कंप्यूटर हम तो बॉट नहीं कर सकते हैं, यानी हम नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज और जो लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनी है वो इसका यूज़ करती है। वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट यू सी एवरी डे आर मेड बाय द सुपर कंप्यूटर। जैसे वेदर फोरकास्टिंग यानी जो मौसम की जानकारी हम लोग डेली पूरे वर्ल्ड के लेते हैं, वो किससे? सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हम तक पहुँचाई जाती है। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम आ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट आर जनरली नो फॉर देयर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोसेसिंग पावर एंड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली किसके लिए जाने जाते हैं? लार्ज साइज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, मतलब इसमें हम काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पावर इसकी बहुत हाई होती है और रिलायबल होती है। दे आर प्राइमरी यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये भी क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वही इसे अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक्सपेंसिव है। मेन फ्रेम आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव अमाउंटिंग थाउजेंड ऑफ डॉलर, सो दे आर नॉट यूज्ड फॉर होम यूज़र। मेन फ्रेम मैंने पहले भी आपको बताया बहुत ही एक्सपेंसिव है और कई डॉलर्स खर्च हो जाते हैं इसे ख़रीदने में। इसलिए जो होम यूज़र्स है यानी जो हम और आप जैसे लोग हैं हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर मच स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर काफ़ी छोटा है कंपेयर टू मेन फ्रेम साइज में। दे आर आल्सो लेस एक्सपेंसिव और उससे काफ़ी सस्ता भी है, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी इज़ आल्सो लेसर देन मेन फ्रेम, लेकिन जब सस्ता है तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम होगी। मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस टाइपिकली यूज़ दीज कंप्यूटर। जो स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं वो ही इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर यू सी इन योर स्कूल एंड होम्स। जो अभी जनरली हम और आप लोग स्कूल्स में और होम यूज़ में जो हम ज़्यादातर कंप्यूटर्स लेते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स आर यूजली डिवाइडेड इन टू डेस्कटॉप मॉडल एंड लैपटॉप मॉडल्स। और ये दो प्रकार के होते हैं, हमें सब लोगों ने देखा होगा डेस्कटॉप जो लैब कंप्यूटर लैब वगैरह में रखे होते हैं, लैपटॉप के बारे में सभी जानते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं। दे हैव लेसर स्पीड डाटा प्रोसेसिंग एबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी एट कंपेयर टू लार्जर मॉडल।
और इनकी स्पीड और डाटा प्रोसेसिंग की एबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी, बाकी जो और मॉडल्स हैं मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, इनके कंपेयर में काफ़ी कम होती है माइक्रो कंप्यूटर्स की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट योर सेकेंड चैप्टर, द कंप्यूटर सिस्टम।